मंदिर देख रहे हो, आपको ये मंदिर दिखेगा और यहां से गुंडा, यहां ना तेरा वकील है ना अदालत, यहां जमीन और आसमान के बीच तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अब सच सच बता, क्या दीपक का कत्ल तूने किया था? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, सन 1992 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है यलगार, उसकी शूटिंग लोकेशन। इस मूवी की शूटिंग लोकेशन देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा साउथ इंडिया। मैसूर रेलवे स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है मेलकोट, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कल्याणी टेम्पल और दूसरी जगह है जिसका नाम है राया गोपुरा। दोस्तों संजय दत्त और फिरोज खान की ये मूवी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और इसको पूरा देखें। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर मूवी के कुछ सीन फिल्माए गए हैं। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन का नाम है राया गोपुरा, ये एक हेरिटेज पैलेस है। दोस्तों यहाँ पर मूवी के वो सीन फिल्माए गए हैं जब संजय दत्त फिरोज खान को मिलने के लिए बुलाता है। तो आप सामने ये जो जगह देख रहे हैं, कुछ सीन यहाँ से फिल्माए जाते हैं जब फिरोज खान इस रास्ते से निकल कर आता है और वो इस रास्ते की तरफ चला जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब यहाँ पर मूवी शूट हुई थी तो यहाँ पर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और आपको ये जो सामने ये ग्रिल वगैरह रेलिंग दिख रही है लोहे की, तो ये उस टाइम पर नहीं थी। आप ये जो सामने जगह देख रहे हो, इस जगह के ऊपर संजय दत्त बैठा रहता है और नीचे की साइड में फिरोज खान खड़ा रहता है और मूवी के कुछ सीन इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों आपस में बहसबाजी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा रहा हूँ। आप ये जो जगह है इसको पूरा मैच कर सकते हो। और कुछ सीन हैं जो दूसरी साइड से लिए गए हैं, यानी कि जो ये ग्रिल वगैरह हैं उधर, तो वहाँ से लिए गए हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर भी चलना पड़ेगा और थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। इस वाली जगह से जो सीन लिया गया था, तो फिरोज खान संजय दत्त के लिए बंदूक से गोली उठाते हैं, तो वो सीन फिल्माया गया था। और पीछे बैकग्राउंड में आप ये जो सीढ़ी नुमा एक झील बनी हुई है छोटी सी, इसको मैच कर सकते हो। बाकी ये जो जगह है आप देख रहे हो, यहाँ पर बदलाव ये है कि पहले यहाँ पर एक खड्डा था, तो अभी यहाँ पर मिट्टी भर के इस जगह को समतल बना दिया गया है लोगों को आने जाने के लिए, टूरिस्टों के लिए। बाकी यहीं पर कुछ सीन फिल्माए गए थे मूवी के। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ कल्याणी टेम्पल और यहाँ पर जो यलगार मूवी के सीन लिए गए हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एक बार फिर से आप ये नज़ारा देखिए, जो कल्याणी टेम्पल है मेलकोटू में उसका नज़ारा एक बार फिर से आप देखिए। देखो भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा नज़ारा है। आइएगा इसको एक बार देखने के लिए, हम लोग भी आए हैं इसे देखने, तो आप भी आइएगा। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ से फिल्म के सीन लिए जाते हैं और यहाँ के भी सीन लिए जाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग उधर चलते हैं। इसकी यार बनावट है ना जो, वो काफ़ी मुझे बहुत ही पसंद आई और मुझे आकर्षित कर रही है, तभी मैं यहाँ पर दोबारा से आया हूँ। क्योंकि इसके जो खम्भे हैं, पिलर हैं, वो काफ़ी शानदार हैं और इनके ऊपर ये मूर्तियों का डिजाइन है वो तो भाई औसम, उसका तो कहना ही क्या है। और इसका आप देखो तो इसके जो छत है ना, इसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर है इसमें, और कुछ नहीं है। और यार देखो ये एक अलग ही तरीके का है कुछ, ये कुछ पता नहीं इसको स्थान बोल सकते हैं या कोई समाधि हो या फिर कुछ भी, पर इसके ऊपर ये जो नक्काशी है ये एकदम बेहद खूबसूरत। चलिए दोस्तों हम मूवी के सीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मूवी का एक सीन यहाँ से लिया जाता है जब फिरोज खान और एक पुलिस वाला इधर से आते हैं, ये जो छतरी है इस छतरी से आते हैं और यहाँ पर वो कूद जाते हैं। फिर ऐसे एक सीन आ जाता है और जो ये पिलर हैं इनमें क्या होता है कि लीली खड़ी रहती है। फिर उसके बाद में एक सीन यहाँ से आता है, आप ये जो मंदिर देख रहे हो, आपको ये मंदिर दिखेगा और यहाँ से एक गुंडा आता है लीली को मारने के लिए, वो बंदूक उठाता है, तो ये मंदिर आप स्क्रीनशॉट में मैच करना। लीली इधर खड़ी रहती है, फिर फिरोज खान जब
इन पिलरों के अंदर आता है तो लीली उसको एक पिलर के पास से पकड़ती है, बोलती है इंस्पेक्टर, यहाँ से कहीं से वो पकड़ती है उसको, बोलती है इंस्पेक्टर। जब फिरोज खान बोलता है कि ओ तो तुम लीली हो, तुमने मेरे दोस्त को मरवाया था, तो वो यहाँ पे बोलता है जब फिर वो बोलती है कि मैं मजबूर थी, मुझे उन लोगों ने ड्रग्स की लत लगा दी थी, मैं मजबूर हूँ, वो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट में ये देखिए, ये पूरे जो गलियारे हैं इनको देखिए, ये खंभे बने हुए हैं, गलियारे हैं जो ये बने हुए हैं, इनको देखिए, पूरा स्क्रीनशॉट में आप मैच कर सकते हो। और डायलॉग वगैरह भी कई होते हैं पर ये यही दिखाई जाते हैं जो आप ये पिलर देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे ना हिम्मत फिल्म का एक गाना भी बना है और एक गाना बना है राजा हिंदुस्तानी का। और दोस्तों एक सीन उधर से आता है, उधर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों आपसे एक बात और मैं बोलूँगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल और है दूसरा, मनीष ढाडोली व्लॉग्स, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उसका। तो कुछ यहाँ से आता है एक सीन, एक पुलिस वाला होता है जो फिरोज खान के साथ में, एक पुलिस वाला होता है तो ये बरगद का पेड़ दिखाई देता है, यहीं पे यहीं कहीं वो खड़ा रहता है, ये बरगद का पेड़ दिखाई देता है स्क्रीनशॉट में और ये सब दिखाई देते हैं। और एक सीन यहाँ से भी लिया जाता है जब संजय दत्त गुंडे को मारने के लिए यहाँ से बंदूक उठाता है, ऊपर से गोली चलाता है, इस वाली जगह से गोली चलाता है, और वो जो गुंडा होता है वो यहाँ पर जहाँ पर ये आपको कुछ बना पड़ा है लोहे का, इस पर यहाँ पर वो पड़ा रहता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इस जगह पर वो पड़ा रहता है और वो फिरोज खान उससे बात करते रहता है। पीछे आप स्क्रीनशॉट में ये देखोगे तो आपको ये जो यहाँ पे गेट सा बना हुआ है, ये पिलर है, ये सब दिखाई देते हैं। और यहाँ पर वो उन दोनों की बात चलती रहती है, अरे बच्चा कुछ ज़्यादा चिल्ला रहा है छोटू, तो ये वाले देखो आप स्क्रीनशॉट में, ये मैच करना, ये पिलर वगैरह और जो ये दो पट्टी बनी हुई है, ये छज्जे हैं ना, जो ये वाले छज्जे हैं, इन छज्जों को आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। यहीं पर वो उस गुंडे से उगलवाता है कि तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया, सिंगाल के कहने पे तुमने मेरा दोस्त का कत्ल किया, इसी जगह वो काफ़ी लंबा चौड़ा सीन चलता है, यहाँ पे करीब 2 मिनट का सीन चलता है, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। पहले ये वाला जो ये लाइट का पोल है ये उस टाइम पर नहीं था, इधर की साइड से फिरोज खान और उसका साथी होता है पुलिस वाला, वो आता है और यहाँ पर वो बोलता है उस गुंडे से, यहाँ ना तेरा वकील है ना अदालत, यहाँ जमीन और आसमान के बीच तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, अब सच सच बता, क्या दीपक का कत्ल तूने किया था? हाँ। क्या उसके जेबों में ड्रग्स और पैसे तूने रखे थे? हाँ। क्या ब्रिजेश भैया का कत्ल भी तूने सिंघाल के कहने पे किया? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, मिलूँगा आप लोगों से कोई अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल पर और फेसबुक पेज पर दूसरे वीडियो देख सकते हैं, मज़े उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ़ से टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू।